नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो रिसेंटली हमने हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे एक तीन चार ऑप्शंस देके पोस्ट किया था कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहते हैं, उसके लिए आप वोट कीजिए। तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल ने वोट किया है कि हमको इंडिया में योगा टीचर्स का जॉब मिलने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना चाहिए, उस बारे में आप वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो एक्चुअली उसी के ऊपर है। मैं एकदम डिटेल में शुरू से, अगर आप एकदम बिगिनर है, आपको कुछ नहीं पता है इंडिया में योगा का मार्केट कैसा है, योगा जॉब्स कैसे मिलते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, एकदम माइन्यूटली शुरू से मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप भी एक जॉब एस्पिरेंट है, आपको भी अगर योगा टीचर का जॉब चाहिए इंडिया में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप भी ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आई एम श्योर कि एंड तक जब आप देखेंगे जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगी उसमें से आप अपनी गलती निकाल सकते हैं कि क्या आप गलत कर रहे थे इतने दिन जिससे आपको जॉब नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको एक जॉब सिक्योर करना है इंडिया में योगा टीचर का जॉब, जो सबसे पहली चीज जरूरत होती है वो है ऑब्टेन सर्टिफिकेशन। आपको किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहां से आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जो TTCs बोलते हैं वो भी आप अटेंड करके अपना एक प्रोफेशनल योगा टीचिंग सर्टिफिकेट जो है आप ले सकते हैं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है योगा टीचर जॉब पाने के लिए। तो कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस योगा टीचिंग के लाइन में जो सर्टिफिकेशन के लिए बोर्ड्स है वो है योगा अलायंस के अंडर में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये TTCs करवाते हैं। देन नेक्स्ट है इंडियन योगा फेडरेशन, उसके अंडर में भी कर सकते हैं। थर्ड है ये जो दो वीडियोस में मैंने कॉलेजेस के नाम बोले हैं वहाँ से भी आप अपना डिग्री जो है वो ले सकते हैं। सेकेंड है बाय एनहेंसिंग योर स्किल्स। आप सभी को पता है आजकल बस सर्टिफिकेशन लेने से ही जो है आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी जब हायर करती है तो सर्टिफिकेशन के साथ वो आपके स्किल्स भी देखते हैं कि आप में क्या क्या स्किल्स है जिससे वो जो है आप उस कंपनी को जो है अच्छे से सर्व कर पाते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से जो है उनको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो ये स्किल्स हमको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि आपको एज ए योगा टीचर कौन कौन से स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत है। तो ये स्किल्स आप कैसे एक्वायर करें? स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करके, डिफरेंट वेबिनार्स सेमिनार्स अटेंड करके, बहुत सारे योगा टीचर्स जो है उनसे बातचीत करके, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी बहुत सारे कोर्सेज भी आते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको भी उन पे भी आप एनरोल करके उनसे भी जो है आप अपने स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड पॉइंट जिससे आपको इंडिया में योगा टीचर जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। थर्ड और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है वो है गेन एक्सपीरियंस। आप सभी को पता है कि आजकल कंपनीज, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करने जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करने जाते हैं, वो जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने पहले कहीं पे भी काम किया है, पहले कहीं आपने सर्व किया है कि नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय या छोटा सा सोल्यूशन आप ये कर सकते हैं कि आप जहाँ रहते हैं उस जगह के लोकल जिम्स में, लोकल योगा स्टूडियोज में जो है आप जाके सिखाएं, वहाँ जाके आप अपना CV जो है सबमिट करें, रिज्यूमे सबमिट करें, और उनको रिक्वेस्ट करें कि मैं आपको वहाँ आपके यहाँ सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ जो है लोकल जिम्स, लोकल योगा स्टूडियोज में फ्रेशर्स को ले लेते हैं। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो अपने करियर के फर्स्ट में ना वॉलंटरी सर्विस देने में आप हिचकिचाइए मत। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए और करते हुए भी देखा है कि हमने इतने मेहनत से जो है योगा का कोर्स किया है तो हम फ्री में क्यों करें? येस, नो डाउट आप फ्री में क्यों करें, लेकिन शुरू में ना आपको कुछ कुछ क्लासेस आपको फ्री में करने होते हैं ताकि वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस गेन कर सकें और फिर अपना जो जो नेटवर्क है उसको भी ब्रॉडन अप कर सके। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे NGOs के अंडर में जाके योगा क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। उससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि आप एक योगा टीचर हो,
ठीक है, उससे मतलब नेटवर्किंग से जो होता है यहाँ से वहाँ बात करते 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 कहीं ना कहीं आपका जो है वो पहुँच ही जाता है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्कूल कॉलेजेस में भी आपको जो है मौका मिल सकता है। तो शुरू में हिचकिचाइए मत, अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वॉलंटरी सर्विसिंग करने की भी थोड़ी सी ज़रूरत अगर पड़ जाए तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू आप अपने लोकल जिम्स, लोकल योगा स्टूडियो से करें। उस चीज़ का जो है फोटोग्राफ्स आप रखें, वहाँ जो आपने जिनको सिखाया है अपने मेंबर्स को, अपने क्लाइंट्स को, उनसे रिव्यूज़ लेके, रिव्यूज़ कलेक्ट करके आप अपने एक प्रोफाइल सोशल मीडिया में बना कर रखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जॉब मिलने में। फोर्थ है, डेवलप अ प्रोफेशनल रिज्यूमे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जब अप्लाई करते हैं ना, कि हमारे पास भी देखिए, हमारा भी खुद का योगा स्टूडियोज है, हम भी कभी कभार जब हायर करते हैं या फिर लोग अपने खुद से ही जो है अपना रिज्यूमे हमको भेजते हैं, तो वो जो मैं देखती हूँ वो प्रोफेशनल नहीं होता रिज्यूमे। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप देखिए अभी आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, अगर वो आपको हार्ड लगता है गूगल का यूज़ कीजिए। किसी भी प्रोफेशनल अगर योगा टीचर हो जो बहुत पहले से सिखा रहा हो आपके जान पहचान में, उनसे आप सलाह लीजिए कि एक प्रोफेशनल रिज्यूमे आपको कैसे बनाना है कंपनी के स्टैंडर्ड्स में, वो रिज्यूमे बनाइए। वहाँ आप इंक्लूड कीजिए अपना सर्टिफिकेशन का डिटेल्स, अपने जो नॉर्मल स्टडीज आपने किए उसका डिटेल्स, अपने एक्सपीरियंस का डिटेल्स। ये मत सोचिए कि मैंने एक दिन का वर्कशॉप कहीं पे भी करवाया, एक घंटे का, वो भी डालूं क्या, वो डालना पड़ेगा आपको। हर चीज़, माइन्यूट चीज़ें भी आपको वो रिज्यूमे में डालना है। एंड साथ ही साथ आप कौन से फॉर्म ऑफ, कौन से स्टाइल ऑफ योगा में आप ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ज़्यादा अच्छे से लोगों को एक्सप्रेस कर पाएंगे उस स्टाइल ऑफ योगा में। सपोज अष्टांग विन्यासा योगा या फिर अष्टांग योगा में आप बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, या फिर ऐसा ही कुछ और फॉर्म ऑफ योगा, तो उस चीज़ को जो है मेंशन करना ना भूलिए, क्योंकि कंपनी जब हायर करती है ना, वो आपके स्टाइल ऑफ योगा, कौन से फॉर्म में आप एकदम बेस्ट हो, उस चीज़ को भी नोट करती है। फिफ्थ है, जो मेरे को लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है नेटवर्क। विदाउट नेटवर्किंग आप जितने भी ज़्यादा आप स्किलफुल हो, आप जितने भी ज़्यादा आपने गेन कर रखे हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, उससे कुछ नहीं होने वाला एक्चुअली। सो नेटवर्किंग आप कैसे कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं डिफरेंट जो है वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड करके, अपने जो एरिया के योगा टीचर्स हैं उनसे आपको टाइम टू टाइम जो है बातचीत करते रहना है। आपको जो लगता है कि आपसे थोड़े से मतलब बड़े या फिर एक्सपीरियंस योगा टीचर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे एक अच्छा कनेक्शन रखिए। ऐसे करते करते ना ये नेटवर्किंग जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमने जब मिस ऐश्वर्या के साथ एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये नेटवर्किंग का पावर कितना है। कोई भी अगर बड़े कंपनीज़ में सपोज़ योगा टीचिंग करता है, योगा टीचर का जॉब करता है, तो वो कंपनीज ना उनसे पूछती है कि आपके जान पहचान में कोई हो तो उनको बोलिए अपना CV सबमिट करने के लिए। तो वहाँ देखिए नेटवर्किंग बहुत काम आता है, ठीक है, रेफरेंस बहुत काम आता है। तो वो रेफरेंस आपको तभी मिलेगा जब आपके नेटवर्क स्ट्रांग होंगे। तो वो नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक योगा टीचिंग का जॉब या फिर कोई भी जॉब इंडिया में अगर चाहिए तो, चाहे वो नेटवर्किंग आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करें या फिर आप पर्सनली जो है आप करें, लेकिन वो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सिक्स्थ है, एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बी एक्टिव। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आजकल एक्चुअली जॉब ओपनिंग्स जो है छोड़ते हैं कंपनीज, तो आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कुछ कंपनीज को आपने लिस्ट आउट कर लिया होगा कि ये कंपनीज में मेरे को अप्लाई करना है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर जगह के हर प्लेटफॉर्म पे आप उनको फॉलो कीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या ट्विटर हो, हर जगह पर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो ना एड्स रन करते रहते हैं, जब उनको हायरिंग करनी होती है एड्स रन करते हैं, तो वहाँ से भी जो है आपको बहुत ज़्यादा एक लीड मिल जाता है। आजकल कोई भी ऐसा लाइक लोकल न्यूज़पेपर में ऐड आएगा ऐसा नहीं होता है, अनलेस एंड अंटिल आप गवर्नमेंट किसी सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि मेनली केवीज में, केंद्रीय विद्यालयज में। आप अपने लोकल केंद्रीय विद्यालयज में जब अप्लाई करते हो तो वो इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू डिटेल्स उनके वेबसाइट में भी आता है, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर में भी वो डाल देते हैं।
ताकि लोगों को पता चले। लेकिन अगर आप ऑनलाइन हो, उनके वेबसाइट्स को टाइम टू टाइम चेक कीजिए। हर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी के वेबसाइट में करियर्स में जाके जो है होता ही है जॉब ओपनिंग्स वगैरह, तो उस चीज को जो है टाइम टू टाइम चेक कीजिए। एंड सेकेंड थिंग कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाइए। लिंक्डइन पे भी आप अपना एक लिंक्डइन का जो पेज है उसको एज ए रिज्यूमे आप बनाइए कि आपने कहाँ सर्टिफिकेशन कहाँ से की है, स्किल्स आपके पास क्या क्या है, आप कहाँ इंटरेस्टेड है काम करने में, एंड एवरीथिंग जो भी वहाँ आप डाल सकते हैं आप वो डालिए, वहाँ पे एक्टिव हो जाइए। एंड हर एक जो है योगा, भले ही योगा स्टूडियो का पेजेस आप फॉलो करें या फिर बड़े बड़े कंपनीज का, लेकिन उनको फॉलो कीजिए, फॉलोअप कीजिए। तो योगा स्टूडियोज का पेजेस जब आप फॉलो करते हैं ना, तो फर्स्ट में वो एक्सपीरियंस गेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, जिससे आपको कंपनीज में काम करने के लिए, कंपनीज में जो है जॉब मिलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो ये एक्टिव रहना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन। सेवेंथ है प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। मैंने ऐसे मैं अपना स्टोरी बताती हूँ। मैं एक इंटरव्यू पैनल में भी शामिल थी और मैंने इंटरव्यू दिए भी है, तो मेरे को इस साइड ऑफ द स्टोरी भी पता है, उस साइड ऑफ द स्टोरी भी पता है। लोग ना, जब मैं इंटरव्यू पैनल्स में रहती हूँ या फिर अभी भी जब हम हायर करते हैं, ज़्यादातर जो है हायरिंग का पार्ट मैं ही देखती हूँ, लोग विदाउट एनी प्रिपेरेशन आ जाते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो जो हायरिंग करने वाला है वो तो शायद बेवकूफ़ होगा या फिर उसको तो पता नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। छोटे से छोटे योगा स्टूडियो में भी अगर आप जो है इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने आप को 100% प्रिपेयर कीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस जो है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी स्टूडियो, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। उनका क्या जो है गोल है, उनका मिशन क्या है, उसके साथ अपने आप को एसोसिएट आप कर पाते हैं कि नहीं, उस चीज़ को देखिए। अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को आप जो है अच्छी तरीके से कैसे आपको पेश करना है उसके बारे में आप प्रिपेयर होके जाइए, ताकि आप जब उनके सामने बैठते हैं तो आप एक प्रोफेशनल लगे। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देख के ही जो है आधा चीज़ जो है वहीं पे आपका क्रैक हो जाता है। कहीं पे मैंने एक कोट पढ़ा था कि 90% ऑफ द सक्सेस दैट यू हैव, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिजनेस में हो, वो जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल से मैटर करता है। एंड 10% मैटर करता है आपके टेक्निकल स्किल से, मतलब चाहे अगर आप योगा टीचर हो तो योगा पोस्चर्स आपको कैसे आते हैं, योगा आपको आप कैसे करवाते हो, वो 10% मैटर करता है। 90% मैटर करता है कि आप कैसे डील करते हो लोगों से, ठीक है, कैसे एक सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो प्रोफेशनली, आप कैसे हो, अपने आप को कैसे पेश करते हो, वो चीज़ मैटर करता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी इंटरव्यूज़ के लिए जाए फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाए। चाहे तो आप जो है कहीं से भी किसी से पूछ सकते हैं जिन्होंने पहले इंटरव्यूज़ क्रैक किए हो कि क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में मैंने आज तक जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं या फिर जितने इंटरव्यूज़ लिए हैं, उसमें ना मोस्ट ऑफ़ द इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि आपसे जो फिलोसफिकल नॉलेज है वो कुछ टाइम के लिए ही पूछते हैं। सपोज मैं केवी का एकदम छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ, केवी से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो एक बार जो है मैं गई थी इंटरव्यू के लिए केवी में, वहाँ मेरे को बस मेरा नाम पूछा एंड एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सपोज एक बच्चा नहीं कर रहा है आपका योगा, उसको नहीं करना है, आप उसको कैसे मनाओगे, उसको आप कैसे उसका इंटरेस्ट जगाओगे योगा क्लास में। तो ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ये आप मतलब उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को, उसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन जो है पूछा है। सेकेंड थिंग ये भी पूछते हैं कि हम आपको क्यों लें, तो ये हर कंपनी पूछती है हर एक सेक्टर में। इसका आंसर आप अच्छे से तैयार करके जाइए। आप चाहे तो मैं एक सीरीज बना दूंगी आपके लिए कि आप जो है इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करें एंड ऑल, बहुत हेल्प हो जाएगा आप सबको। लेकिन जो भी है, फिलहाल के लिए आप अगर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर करके जाइए। एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, बस कॉन्फिडेंट रहना है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आपको बोलना है, सर सॉरी सर आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट, बस खत्म। तो कुछ भी गलत शलत भी नहीं बोलना है, उससे ओवर कॉन्फिडेंट हो आप वो दिखता है। एट एंड द लास्ट पॉइंट जो है वो है बी फ्लेक्सिबल।
बी फ्लेक्सिबल इन वर्किंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो टू एस्टेब्लिश योर इमेज इन द योगा कम्युनिटी. ठीक है, बहुत सारे मैंने जब स्टार्ट किया था, खैर मैंने जॉब से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने अपने योगा बिजनेस से ही स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में मैंने जॉब्स भी किए हैं. तो कोई बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे भी मेरे को बोला गया था कि आप पार्ट टाइम जॉब्स कर लो एंड ऑल, तो मैंने वो भी किया है. क्यों? क्योंकि मैं अपना एक इमेज, अपना एक नाम बिल्डअप कर सकूँ उस एरिया के योगा कम्युनिटी में. उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ. तो आपको ना पहले पहले अपने करियर के पहले पहले जब आप जॉब ढूंढ रहे हो, जब आप जॉब एस्पिरेंट हो, तो फ्लेक्सिबल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो इतने बजे कर पाऊँगा, उतने से उतना कर पाऊँगा. ये आप इफ्स एंड बट्स जितना रखेंगे ना, उतना आपके लिए मुश्किल हो जाता है जॉब्स ढूंढना, जॉब्स पाना. तो फ्लेक्सिबल रहिए, शुरू शुरू में पार्ट टाइम जॉब्स भी कीजिए कंपनीज के साथ, योगा स्टूडियोज़ के साथ, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ, ताकि आपका एक जो है एक्सपीरियंस भी बिल्डअप हो, उसको आप अपने सीवी में डाल सकें. एंड सेकेंड थिंग, वहाँ से नेटवर्किंग आपका ज़बरदस्त हो जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट में जो आपको फुल टाइम जो है जॉब्स के लिए भी, वो आपको खुद से ही अप्रोच कर लेते हैं. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आजकल का जो योगा मार्केट है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बी इट ऑनलाइन और ऑन साइट, कोई भी मोड ऑफ जो है टीचिंग में. इसलिए आपके अंदर परसिवियरेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एक्चुअली कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अगर आपको बहुत सारे साल भी हो चुके हैं, आपने जॉब से ब्रेक लेके वापस आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर करना ही पड़ता है. ठीक है, एंड पैशन, आपको आपके पास ना वो योगा के लिए, योगा के प्रति एक्चुअली पैशन होना चाहिए. वो पैशन जो है आपके चेहरे पे खिलता है, आपके चेहरे पे दिखता है जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो, या फिर जब भी आप जो है कुछ भी अपने लिए कुछ भी करते हो, तो वो पैशन ही आपको ड्राइव करता है, थ्राइव करता है एक्चुअली सक्सेस के लिए, बाकी किसी और चीज़ से ज़्यादा. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड बातें करते हैं, आपको सही डिरेक्शन में गाइड करते हैं. एंड यस, हमने अभी अपना एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ग्राफी के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं. तो अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए, आपको जानना है कि योगा आपके लिए है कि नहीं, वो बेसिक बिगिनर्स कोर्स आप कर सकते हैं. जो एग्जिस्टिंग योगा टीचर्स हैं, जिनको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा सीखना है, चाहे वो स्कल्प योगा हो, ब्रिक योगा हो, बेल्ट योगा हो, प्रज्ञा योगा हो, ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा होता है, स्टाइल्स ऑफ योगा होता है, वो जो है वहाँ से कोर्स परचेज करके वो भी आप सीख सकते हैं, एंड जो है उसके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो ये हमने प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है ताकि जो है हर टाइम ना लाइव वर्कशॉप्स करना, लाइव क्लासेस जो है कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए. तो हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बना के उसी पे अपलोड करके रख देते हैं, आपको जब जो चाहिए आप वो वहाँ से लेकर फिर जो है अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है आप कर सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.